हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत की। और साम्यवादी सिद्धांत को लेकर प्लेटो ने जो विशद विवेचना प्रस्तुत की है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए प्लेटो दो सिद्धांतों की बात कहता है। पहली है राज्य नियंत्रित शिक्षा प्रणाली और दूसरा है साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। प्लेटो का मानना था कि शिक्षा द्वारा वो समाज का अभिभावक वर्ग है, यानी जिसमें सैनिक और शासक वर्ग आते हैं, उन्हें कर्तव्य पालन करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये राज्य की एकता और सुदृढ़ता के लिए अनिवार्य हैं। प्लेटो को इस बात की आशंका थी कि शिक्षा द्वारा शासक वर्ग में जो उत्पन्न किए गए संस्कार हैं वो विपरीत स्थितियों में समाप्त हो सकते हैं और व्यक्ति परिवार और संपत्ति के आकर्षण में फंसकर निजी स्वार्थ को प्राथमिकता देने लगेगा और इससे सामाजिक जीवन के कर्तव्यों की अवहेलना होगी। तो अभिभावक वर्ग के मार्ग की बाधाओं को दूर करने के लिए प्लेटो एक ऐसी नई सामाजिक व्यवस्था का सुझाव देते हैं जिसके दो तत्व हैं। पहला है संपत्ति विषयक साम्यवाद और दूसरा है परिवार विषयक साम्यवाद, या जिसे कि हम स्त्रियों का साम्यवाद भी कहते हैं। इसमें प्लेटो कहता है कि साम्यवादी व्यवस्था मात्र शासक और सैनिक वर्ग के लिए ही की गई है। जो समाज का तीसरा वर्ग है, जिसे कि श्रमिक वर्ग कहा गया है, उसके लिए उसने इस व्यवस्था की कोई आवश्यकता महसूस की नहीं की। अब हम बात करेंगे संपत्ति के साम्यवाद की। इसमें जो मूल बातें कही गई हैं उनमें प्रथम है कि शासक और सैनिक वर्ग के लिए संपत्ति का निषेध है, यानी उन्हें इस तरह की संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है कि संपत्ति एक ऐसा आकर्षण है जो किसी भी व्यक्ति को उसके दायित्व और कर्तव्य से विचलित कर सकती है। तीसरी बात है शासकों का व्यक्तित्व संपत्ति के से समाप्त हो, और यदि शासक चाहे तो भी उसके पास कोई संपत्ति ना हो, यानी उसे किसी चीज़ की इच्छा ना हो। यहाँ प्लेटो तर्क देते हैं कि व्यक्ति में अगर किसी चीज़ की इच्छा है या लालच है तो वह उसे उसके कर्तव्य से भ्रष्ट कर सकती है। और शासन का कार्य साहस और बुद्धि से संपन्न होता है। यदि शासक संपत्ति का संग्रह करने लगे तो राजनीतिक पद गुण के आधार पर नहीं संपत्ति के आधार पर निर्धारित होने चाहिए। अब हम बात करेंगे प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद की मूल विशेषताओं की। विशेषताओं को लेकर पहली बात जो प्लेटो ने कही है उसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए यह नहीं है व्यवस्था, बल्कि यह केवल अभिभावक वर्ग जिसमें कि शासक और सैनिक वर्ग हैं उनके लिए ही व्यवस्था की गई है। अगली बात कही गई है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य राजनीतिक और आर्थिक नहीं, बल्कि आर्थिक विषमता को दूर करना नहीं, शासन को दोष मुक्त करना है। तीसरी बात, प्लेटो का साम्यवाद भोग नहीं त्याग का मार्ग है। प्लेटो राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को अलग अलग रखना चाहते हैं। उनका मानना है कि जिन लोगों के हाथ में राजनीतिक शक्ति है उनका कोई आर्थिक हित नहीं होना चाहिए, यानी उनका धन से या पैसे से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, ताकि वे निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन कर सकें। लेकिन प्लेटो को ये जो संपत्ति का साम्यवाद है इसको इसकी आलोचना की गई है। विशेष रूप से जब हम आलोचना की बात करते हैं तो अरस्तु की बात यहाँ शामिल करेंगे। अरस्तु कहते हैं कि निजी संपत्ति व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। दूसरी बात, दयालुता, उदारता और परमार्थ भाव प्रकट करने के लिए निजी संपत्ति एक अनिवार्य तत्व है। तीसरी आलोचना जो प्लेटो जो अरस्तु ने की है वह उसमें कहा गया है कि उत्पादक वर्ग पर यह व्यवस्था लागू नहीं की गई, जबकि ये समाज की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा हिस्सा होता है। चौथी बात, यह व्यवस्था एकता की बजाय राज्य को दो वर्गों में विभाजित कर देती है। अगली बात, सामाजिक जीवन के जो अनुभव के विपरीत इससे उदासीनता और अकुशलता जैसे भाव उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसा अरस्तु का तर्क था। अब इस संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना के बाद प्लेटो जो दूसरी बात प्रस्तुत करते हैं वो कहते हैं परिवार विषयक साम्यवाद की। वो कहते हैं कि जिस तरह से संपत्ति का निषेध है, ऐसे ही अभिभावक वर्ग के लिए परिवार या पत्नियों का जो साम्यवाद है उसका भी निषेध होना चाहिए। इसमें प्लेटो तर्क देते हैं कि अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति के निषेध के साथ साथ उन्हें निजी संपत्ति से भी वंचित किया जाना चाहिए। दूसरी बात है कि शासक कुशलतापूर्वक कर्तव्यों का पालन करे, इसके लिए उसको संपत्ति के मोह के साथ परिवार के मोह से भी मुक्त रखा जाना चाहिए, क्योंकि परिवार का मोह संपत्ति के मोह से भी प्रबल होता है। अभी जो परिवार विषयक साम्यवाद है इसका स्वरूप क्या है, यानी ये कैसा है, इसमें किन मूल बातों को कहा गया है? तो इनमें प्लेटो ने तर्क दिया है कि अभिभावक वर्ग के
स्त्री और पुरुषों में कोई निजी परिवार नहीं बनाएगा। दूसरी बात इसमें कही है कि स्त्रियां सबके समान रूप से पत्नियां होंगी और इनकी जो संतानें होंगी वो भी समान रूप से सबकी होंगी। इनका न तो कोई माता पिता इसमें अपनी संतान को पहचान सकेगा और न ही संतान अपनी माता पिता को। तो इस तरह से प्लेटो ने अपनी इस योजना के स्वरूप को स्पष्ट किया है। और जो इस योजना के पक्ष में प्लेटो तर्क देते हैं उनमें वो कहते हैं कि इस व्यवस्था को लागू करने से अभिभावक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्ति मिलेगी, राज्य में स्थापना की संभावना प्रबल हो सकेगी, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी और स्त्रियों की स्वतंत्रता और समान अधिकारों के लिए भी ये व्यवस्था बहुत उचित रहेगी। लेकिन अरस्तु कहते हैं कि जिस तरह से संपत्ति का साम्यवाद उचित नहीं है, ऐसे ही जो परिवार और स्त्रियों का साम्यवाद है उसके बारे में भी उन्होंने उसकी आलोचना की है। और आलोचना के जो मूल बातें कही हैं उसमें पहली है कि समूचा यानी कि पूरा जो राज्य है उसको हम परिवार नहीं मान सकते। दूसरी बात, इसकी व्यवस्था के अंतर्गत पति पत्नी के संबंधों की जो पवित्रता है वो खत्म हो जाए।